डंजो कर देना। मेट्रो सिटीज में काफी चलता था और डंजो पहले एक वर्ब हुआ करता था, लेकिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिलीवरीज कंपनी अब ये चार्म को लूज कर चुका है और न्यूज में है अपने कैश क्रंच को लेकर। डंजो जो अपने एम्प्लॉयज के सैलरी 75,000 रुपीज पे कैप कर दिया था जून में, अब रिपोर्टेडली ये 500 एम्प्लॉयज यानी कि 50% ऑफ इट्स वर्कफोर्स को सैलरीज क्लियर करने में काफी डिले कर रहा है। डंजो अपने एम्प्लॉयज का जून का सैलरी जो प्रॉमिस किया था कि जुलाई 20th तक क्लियर कर देंगे, ये डेडलाइन को मिस कर दिया और अपने एम्प्लॉयज को ईमेल में नोटिफाई किया कि सितंबर 4th तक क्लियर कर देंगे सारे ड्यूज। Cash strap quick commerce platform Dunzo has laid off 150 to 200 people in the latest round of layoffs. इस साल Dunzo पहले ही 400 employees को fire कर चुका था और जब अप्रैल में 600 crore rupees funding raise किया अपने existing investors Google and Reliance Retail से, तो 30% of its workforce को lay off कर दिया था। अब reportedly इस महीने भी ये 30% of employees को fire करने वाले। डंजो के दो बिजनेस वर्टिकल्स हैं, एक B2C और एक B2B, और B2C इसके 90% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है और लॉसेस भी इसी वजह से। अप्रैल के फंडिंग के बाद CEO कबीर बिस्वास ने ये अनाउंस किया कि डंजो पिवट करने वाला है और 50% ऑफ इट्स डार्क स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री शट डाउन किए गए। डंजो अभी तक टोटल $500 मिलियन रेज कर चुका है और रिलायंस रिटेल का डंजो में इन्वेस्टमेंट का कारण ये था कि जियो मार्ट के डिलीवरी ऑपरेशंस एस्टेब्लिश कर पाए और जियो मार्ट के ऑर्डर्स 10x कर दें, जो कि नहीं हुआ। रिपोर्टेडली जियो मार्ट का सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन डंजो के B2B बिजनेस को 50% तक स्केल कर देता और इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बना देता। फर्स्ट क्रोर एक चैनल है जिसपे हम इंडियन स्टार्टअप्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे डिस्कस करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या।